So we understood the concept of one unit is equal to 10 to power 6 joules, isn't it? ये हमने लास्ट क्लास के अंदर देखा था. Now let's consider a radio set of 60 watt, a radio set of 60 watt operated for 3 hours in a particular day. So how many units being consumed by it? Tell me the answer. फटाफट निकालिए. कितनी यूनिट्स से कंज्यूम की? बेटा 0.1 यूनिट, वन इंट. क्या सभी का यही आंसर है? 60 डिवाइड बाय 1000, किलोवाट में बदलेंगे ना इसे, इंटू 3, 180 डिवाइड बाय दिस, दैट हैपेंस पॉइंट विद दिस इज आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. The next question is a current of 4 ampere flows through a 12 volt car battery, sorry, through a 12 volt car headlight bulb. A current of 4 ampere flows through 12 volt car headlight bulb for 10 minutes, for 10 minutes. How much energy is transferred during this time? How much energy is transferred during this time? Is a question. Nikalo. Kitni energy transfer is there? You have 2 minutes to give me the answer of the same question. हाँ, एनर्जी में किलोवाट. एक्सीलेंट आंसर, बिल्कुल ठीक है. इज सपोज द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट एनर्जी. एनर्जी इज व्हाट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होगा एनर्जी? पावर इंटू 10. कोई बात नहीं. पावर क्या है? एनर्जी अपॉन टाइम. तो एनर्जी क्या है? पावर इंटू टाइम. टाइम तो गिवन है हमें 10 मिनट्स, गिवन है या नहीं? लेकिन उसको हम ऑब्वियसली एनर्जी जब निकालेंगे तो आवर्स में कन्वर्ट करेंगे. मिनट्स को जब हम आवर्स में करेंगे, छोटे को बड़े में करेंगे, तो 60 से डिवाइड करेंगे. अब पावर हमें नहीं है अवेलेबल, राइट? लेकिन हमें पोटेंशियल और करंट मालूम है. लेकिन हमें पावर का फॉर्मूला तो मालूम है, वो क्या होता है? वी आई. तो एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? वी आई. अब 12 × 4 = 48 की क्या हुआ ये? वॉट या किलो वॉट? वॉट. तो इसको हम क्या वॉट में ही छोड़ देंगे? इसको 1000 से डिवाइड करेंगे इंटू 1/6. जब कैलकुलेट करेंगे द आंसर हैपेंस टू बी दिस दिस मच यूनिट्स और किलो वॉट आवर. क्लियर है? सबको समझ आ रहा है ना? प्लीज बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, राइट? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे. नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड. कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 4 एम्पियर. कैलकुलेट द एनर्जी ट्रांसफर्ड बाय 4 एम्पियर करंट गोइंग थ्रू ए रजिस्टर ऑफ 2 ओम, going through a resistor of 2 ohm operated for 30 minutes. Find the energy transferred by 5 ampere current flowing through a resistor of 2 ohms for 30 minutes. आयुष, पावर के कौन कौन से 3 फॉर्मूले होते हैं? टेल मी. निशांत, कौन कौन से 3 फॉर्मूले होते हैं पावर के? I R स्क्वायर और
अब बताओ E is equal to I square R. हाँ सॉरी कोई नहीं है, नो सॉरी, जब तुम अपनी खुद के वादे से हट रहे हो बेटा, करेक्ट। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इसमें कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, अब ये जो पूछा गया उसी पे ध्यान देंगे ना, एनर्जी की बात हो रही है, एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, ठीक है, टाइम अपने पास अवेलेबल है, ये सब लास्ट में लिखा, हम शुरू में लिखेंगे ना, अब पावर तो हमारे पास है नहीं, लेकिन पावर निकालने की कंडीशन तो हमारे पास है, एंड दैट स्टेटमेंट आई स्क्वायर आर, राइट, सो 25 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन 6 1 अपॉन 2, तो कांट यू गेट द आंसर, राइट, तो कितना आंसर आया, मैं कुछ गलती कर दी है मैंने, करंट 4 एम्पियर बोला मैंने, 5 एम्पियर बेटा, बाय मिस्टेक सॉरी, एनीवे 5 एम्पियर से करना, हाँ गलती कर दी बेटा सॉरी, वैसे सेशन चल रहे हैं, सैचुरेट हो चुका हूँ, 25 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन 2 इटसेल्फ, क्या मैंने सही किया, एक मिनट आप हाँ हमसे क्या पूछा था, व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट, क्वेश्चन के अंदर क्या था कि हमें एनर्जी निकालनी है, एंड एनर्जी इज पावर इनटू टाइम, टाइम हमें गिवन है 30/60, पावर के तीन फॉर्मूले होते हैं वी आई आई स्क्वायर आर और वी स्क्वायर बाई आर, आदित्य क्या करूं मैं, ये मैंने सही किया या गलत किया, क्या ये सही है या गलत है, कंफ्यूज क्यों हो रहा है बेटा, फॉर्मूला है तो सही, आई स्क्वायर तो 25 इंटू आर, आर कितना है इंटू, ये जो पावर है ये क्या ये किस यूनिट्स की, ऐसा यूनिट क्या है, जूल, इस टर्म में भी आखिर में पढ़ना है क्या, फिर उसी क्यों नहीं पढ़ रहे हो, वॉट पावर की वॉट होती है, किलो वॉट में बदलना, हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे इसे, अगर इसको सॉर्ट आउट करोगे तो क्या आंसर आया, 0.025 यही गिवन है, नेक्स्ट वन, एक फ्रिज है जिसकी पावर रेटिंग गिवन है हमें, ये मैं पूरा क्वेश्चन डिक्टेट नहीं कर रहा, तो देयर इज अ फ्रिज विद पावर रेटिंग दिस, ऑपरेटेड फॉर 10 आवर्स, एक सिंगल डे में 10 घंटे तक इस फ्रिज ने काम किया, we are supposed to find the cost of electrical energy to operate it for a month of 30 days, a month of 30 days, ek mahine ka nikalna hai, ek din mein wo fridge jo hai 10 ghante kaam karta hai, to ek mahine yani ki 30 din mein hame uski cost nikalni hai, aur ye given hai ki one unit corresponds to 2.40 rupees, और वी कैन से दैट 2.40 राइट पर किलोवाट आवर, आंसर आ जाए तो आप बोलेंगे नहीं, सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे, एक फ्रिज है जो 350 वाट का है, 10 घंटे एक दिन में आपने ऑन किया, आज ही के दिन समझ लो 10 घंटे चलाया, राइट 30 दिन तक अगर आप उसे ऐसे ही यूज करते हो उसका क्या बिल आएगा, एक यूनिट गिवन है 2.40 रुपए, हाँ इसके व्हाट्स आंसर,
2520 is the wrong answer. एक फ्रिज एक दिन 10 घंटे ऑन रहता है, यानी कि रोज 10 घंटे ऑन रहता है, 30 दिन में उसका क्या बिल आएगा? टू इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट, गुड. देखो, लेट्स अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. यहां देखो अभिनंदन, यहां देख. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं एक दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई. ये बात वही, पावर इनटू टाइम, 350 वॉट है, वही सीधा 1000 से करेंगे. हम 1000 बार इस बात को डिस्कस कर चुके हैं. और यहाँ तो और भी आसान कर रखा है, टाइम को तो बदलना ही नहीं है इनटू टाइम. ये कितना हो गया, 3500, राइट, डिवाइडेड बाई 100. क्लियर? तो कितने यूनिट्स आया बताओ. दिस एंड दिस कैंसल्स आउट, कितना आया, 3.5 यूनिट्स. एक दिन में कितनी यूनिट्स, 30 दिन में कितनी हुई बताओ, कितना आया 30 दिन में? करेक्ट. हाँ, करेक्ट. यानी कि एक महीने में कितनी यूनिट्स यूज हुई, 105 यूनिट. एक यूनिट का 2.40 रुपए बिल है, मल्टीप्लाई कर दिया 52 रुपीज आ गया. इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा. यहाँ तक 10th का सवाल है, लेकिन हम इससे भी एक और ऊपर क्वेश्चन करेंगे. अगर वो कर लिया तो क्वाइट ऑब्वियस है, फिर हम वी आर इन द कम्फर्ट जोन. राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक बल्ब है जिसके ऊपर ये लिखा हुआ है, राइट, और ऐसे 5 बल्ब हैं, ऐसे 5 बल्ब हैं, राइट, जो कि 4 आवर्स रोज बंद, रोज जो है स्विच ऑन रहते हैं. नहीं, 5 हो गए 5 हो. हाँ हाँ, जैसे यहाँ ट्यूबलाइट है 5 है, सारी ऑन है, ऐसे ही ये 5 बल्ब 4 घंटे के लिए काम करते हैं. बल्ब इज रेडी, 5 such bulbs बर्न फॉर 4 आवर्स, 5 such bulb बर्न फॉर 4 आवर्स. व्हाट इज द बिल इफ द रेट इज ₹4.60 पर यूनिट? तो से कुछ ऐसा कहा ही नहीं है कि कितने दिन के लिए, यानी एक ही दिन की बात पूछ रहा है वो. अगर एक दिन में 5 बल्ब 4 घंटे इस पावर रेटिंग के साथ हम ऑन रखेंगे तो कितना बिल आएगा? एक यूनिट का 4.60 रुपए है. कितना मिला है बेटा? 9.2. देखो, हमेशा ना आप अप्रोच को कैच करो. हमसे क्या पूछा गया भाई? और किसका क्या आंसर आ रहा है? हंस के आपका, अंशिका, यस, 9.2 इज द करेक्ट आंसर. कैसे? एनर्जी कंजम्पशन की बात हो रही है ना. एक बल्ब का पावर कितना गिवन है हमें, 100 वॉट.
ऑब्वियसली उसको हम 1000 से करेंगे, ठीक है। एक सिंगल बल्ब कितनी देर के लिए ऑन रखा है हमने, 4। लेकिन ऐसे कितने बल्ब हैं, 5। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो 21 राइट, तो टोटल यूनिट्स कितनी आई, 1.6। और दिल कितना है एक यूनिट का, 4.6। तो आंसर कितना आ गया। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, इजंट इट, दिस इज द एनर्जी कंजम्पशन बाय ए सिंगल बल्ब एंड दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट, नंबर ऑफ बल्ब्स। तो एनर्जी कंजम्पशन का एक फार्मूला भी नोट कर लो, एनपीटी, वेयर एन स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ई स्टैंड्स फॉर द पावर, एन स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऑफ द सेम टाइप, एक जैसे, P stands for the power of each device, E for the time at which it being operated, आगे चलो, next question, एक हीटर है जो 10 एम्पियर का करंट लेता है और ऑपरेट करता है वो 220 वोल्ट पर, इसका क्या बिल आएगा अगर हम 5 घंटे इस हीटर को ऑन रखते हैं, राइट, फॉर ए पीरियड ऑफ 30 डेज, रुपीज 5.20 पर यूनिट है, तो बिल बताओ कितना है। आंसर एक दिन में 5 आवर्स है ना बेटा, 20 दिन तक आपने ऐसा किया इसके साथ, करेक्ट आंसर। अगेन एनर्जी निकालनी है, पावर इंटू टाइम, किसी भी क्वेश्चन में कुछ नया काम तो हम कर ही नहीं रहे, पावर कितनी गिवन है मालूम ही नहीं, लेकिन पावर का फॉर्मूला तो मालूम है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, विच इज वी आई, टाइम 5, E कितना है 220, करंट कितना है 10, ये वॉट में आया, फिर 1000 टाइम में बता चुका हूं, इसे 1000 से डिवाइड करेंगे, इनटू 5 राइट, क्या आया टोटल निकाल के कितना आया बताइए, 11 यूनिट, यानी कि एक दिन में 11 यूनिट, 30 दिन में 330 यूनिट्स, 5.20 रुपए है, तो 1716 रुपए बिल बना, सिंपल लैंग्वेज, क्लियर। आई होप समझ आया होगा आपके। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से पहले जितने भी क्वेश्चंस गिवन है लखमीर सिंह, सभी क्वेश्चंस को करना, देयर आर अराउंड 25-30 क्वेश्चंस एंड इट विल टेक अराउंड 25-30 मिनट्स, राइट, ऐसा नहीं है कि क्वांटिटी ऑफ टास्क दिया है, जब कभी भी टाइम हो 25 मिनट के अंदर अंदर 30 मिनट में आप कर लोगे, मैक्सिमम सब्जेक्ट 40-45 मिनट्स, और क्या थोड़ा अगर कैलकुलेशन की डिफिकल्टी है सारे कर लेना, राइट। तो ये एक तरीके से आप अडॉप्ट हो गए इस टॉपिक के साथ, और आज ही कर लेना, नहीं तो मैक्सिमम सब्जेक्ट 2 कल कर लेना, राइट। और ये भी आपका होमवर्क है, जो आपका असाइनमेंट है जो मुझे भेजना है आप, राइट, और इसको मैं 48 आवर्स दे दूंगा करने के लिए, 48 घंटे के अंदर कर,
यानी कि परसों 6 बजे तक आप मुझे भेज देना है इसे, ठीक है ना। तो प्लीज डू सो, आपका अपने आप ही ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ आ जाएगी, कैलकुलेशन करोगे तो अच्छा रहेगा। इसके अलावा हम तो बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी हमारे 1-2-3 3-4 टेस्ट हो चुके हैं, अभी बहुत सारे और होंगे। एक चैप्टर पे ही कई बहुत सारे टेस्ट होंगे तो ऑब्वियसली फिर फिजिबिलिटी बनी जाती है, राइट। आपकी बात जो टर्म 2 में पेपर आएगा, केस स्टडी बेस आएगा, केस स्टडी बेस क्वेश्चन उसके अंदर होंगे, 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन, 4 या 5 मार्क क्वेश्चन होंगे, ब्लूप्रिंट जल्द आने वाला है, जैसे ही आएगा मैं उसके अकॉर्डिंगली पेपर बनाना शुरू कर दूंगा। द लास्ट टॉपिक विच यू आर लेफ्ट विद द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है बेटा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कुछ होता है, कभी देखा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कैसे? अरे हम आजकल नहा ही नहीं सकते बिना गीजर के, गीजर किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जैसे हम करंट देते हैं पानी गर्म होता है कि उसमें फिलामेंट होता है, वो किस चीज का बना होता है क्या है उसे हम बाद में देखेंगे। पहली बात तो ये उठती है कि करंट इज रेस्पॉन्सिबल टू क्रिएट हीट एनर्जी। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मीन्स व्हाट? दैट द करंट इज, अदर लैंग्वेज में कहा जाए तो क्या होगा ये, दैट द करंट इज रेस्पॉन्सिबल, इजंट इट? तो करंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ हीट एनर्जी, हाउ कम जस्टिफाइड? गुड इवनिंग, हाँ हाँ वो तो एक है रीजन, लेकिन हमको इसका फंडामेंटल रीजन देना है, एंड द रीजन बिहाइंड इट इज द फादर ऑफ एंटायर इलेक्ट्रिकल साइंस, पोटेंशियल। पोटेंशियल इज व्हाट? वर्क अपॉन चार्ज, कैन बी रिगार्डेड इक्विवेलेंट टू एनर्जी अपॉन चार्ज, एंड हेंस एनर्जी कैन बी रिगार्डेड एज पोटेंशियल इनटू चार्ज। एनर्जी इज पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल कैन बी रिगार्डेड एज आईआर, V is equal to IR. Ohm's law. आपने अगर मेरी क्लासेस अटेंड कर ली होगी, नए स्टूडेंट्स ने भी, V equal to IR. And charge. Current is what? Charge upon time. The charge happens to be current into time. And hence can be replaced as I into T. That makes energy, which appears to be in the form of heat energy, is I square RT. Right, so this is the formula, right, responsible for the creation of certain amount of heat energy in joules, right. If current flows through the circuit or the wire having certain resistance, and T stands for the time for which the current flows through the circuit, or the wire or a device, right. इसका डेरिवेशन जो है अगेन 99% जो मैंने ये लिखा है आपके एग्जाम्स में आ सकता है। प्रूव दिस फॉर्मूला, प्रूव दैट द फॉर्मूला ऑफ हीट एनर्जी इज आई स्क्वायर आर टी। कोई डाउट? हाँ इलेक्ट्रिकल, हाँ वो मैकेनिकल एनर्जी हैज इट्स वेरियस फॉर्म्स, इज़न्ट इट? तो उसमें से यहाँ जैसे आप किसी वायर को भी टच करते हैं तो इजंट इट सीम्स टू बी हॉट, अगर काफी कंसिडरेबल अमाउंट तक उसमें, क्यों? क्योंकि करंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ हीट एनर्जी। और आपने जैसे कहा कि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है तो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब रुकावट है, रुकावट का मतलब कहीं ना कहीं, राइट, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन सीम्स टू इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, वो उसका टेक्निकल कॉज हो गया, ये इसका फंडामेंटल कॉज है, राइट, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। So, इस फॉर्मूले के ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा, और एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्स के अंदर आ सकता है, कि मान लिया हमारे पास दो रेजिस्टेंस हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं और दोनों का रेजिस्टेंस आर है, अगर दोनों को पहले हम सीरीज में लगाएंगे और फिर दोनों को हम पैरेलल में लगाएंगे, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड? करके दिखाओ। हाँ, सीरीज टू पैरेलल, heat produced in series with respect to the parallel, yeah, heat produced in the parallel divided by the heat produced in the series, what is the ratio?
बहुत बड़ा है क्वेश्चन, बताओ क्या करेंगे इसमें। क्विट सीरीज पैरेलल आपने अटेंड कर लिया अभी तक सुप्रीति? सुप्रीति नहीं की ना, कोई बात नहीं। आपने अंशिका वहां तक पहुंचे हो आप? अच्छा अच्छा कर लिया, तो फिर तो ऑब्वियसली सीरीज पैरेलल तो समझ आ गया होगा फिर। पांच क्लास है, आप बोल रहे थे हमसे अभी हो सकता है कि अभी अपलोड हो रही हो, सिस्टमेटिकली अपलोड क्लास में एडिटिंग वगैरह रहती है ना। फोर इज टू वन, क्या यही आंसर आया सभी का? ये पता नहीं है सही है या गलत। जब सीरीज में होगा तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा सीरीज के अंदर? आर प्लस आर, टू आर। और जब पैरेलल में होगा तो पैरेलल के केस के अंदर वन प्लस आर, वन प्लस आर दैट हैपेंस टू बी टू बाई आर एंड हेंस द टोटल आर क्या होगा? आर बाई टू। तो हीट प्रोड्यूस इन सीरीज क्या होगा? आई स्क्वायर R in series into time, let T is the time for which the current flows through the bifocal connection, first in the form series and another in the form of parallel, and heat produced in the parallel ke case. Ab yahan par series mein kitna aaya hamara 2R, lekin parallel ke case ke andar kya hoga? RP lenge na hum yahan par, to RP ke case ke andar kya aaya hamare paas? This into time, टाइम दोनों ही केस के अंदर सेम है, तो एच पी एच एस और एच पी के केस के अंदर हमारा क्या होगा? आई स्केयर राइट टू आर इन टू टी आई स्केयर आर, ये जो इसका टू है ना ये ऊपर चला गया, एवरीथिंग कैंसल्स आउट, तो वी आर लेफ्ट विथ फोर अपॉन वन। नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट गेटिंग, क्या कहना चाह रहे हो आप? हाँ हाँ, करंट को हम वैल्यू सेम लेके चलते, यस करंट। देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी सेम आती है, लेकिन सीरीज के अंदर क्या होता है कि वो रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण है ना वो एनर्जी किल हो जाती है। तभी तो हमने देखा था ना एडवांटेज ऑफ सीरीज ओवर पैरेलल, सॉरी पैरेलल ओवर सीरीज, क्या देखा था? तो मैक्सिमम सप्लाई तो आती है लेकिन सीरीज के कारण मैक्सिमम एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी वेस्ट हो जाती है। नहीं आप ये देखो कि यहाँ पर हमारे पास एच एस का फॉर्म, अगर जब हमने
ये लिया है करेक्शन सीरीज के केस के अंदर। तो यहाँ टोटल ले रहे ना, करंट तो सेम फ्लो कर रहा है, क्यों? क्योंकि हम 220 वोल्ट से सप्लाई कर रहे हैं, जो हमारी सप्लाई है दैट इज इक्वल टू 220 वोल्ट। नहीं नहीं देखो, मेन फॉर्मूला यही है। और दूसरे केस के अंदर आई स्क्वायर आर टी राइट, यहाँ पर हम पैरेलल लेते हैं बेटा जी इनटू दिस, यहाँ हमने सीरीज को लिया है। तो ये जो करंट है, क्वेश्चन यहाँ पर क्या गिवन है, ध्यान से देखो आप, टू रेजिस्टेंस वायर ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ द सीक्वल इक्वल लेंथ एंड इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड। तो ऑब्वियस सी बात है, इस केस के अंदर यहां पर जब हमने उनको सीरीज में कनेक्ट किया, सप्लाई तो हमारी 220 वोल्ट ही है दोनों ही केस के अंदर, तो सप्लाई के थ्रू जो करंट रिलीज होगा, चाहे वो सीरीज में है चाहे वो पैरेलल के अंदर है, सेम अमाउंट ऑफ करंट वुड बी प्रोवाइडेड बाय द सोर्स, वो अपने हिसाब से, दैट इज व्हाट, यही तो हमने पैरेलल का एडवांटेज देखा था ओवर सीरीज, राइट। आई होप के क्लियर हो गया। The heating effect of current is utilized in the working of various electrical devices. कौन कौन से हो सकते हैं? Electrical iron है, electrical bulb है, toaster है, oven है, and there are lots of the other heating devices. Right? अभी काम कैसे करते हैं इन सभी devices के अंदर? तो basically होता क्या है? Filament होता है, right? क्योंकि high resistance wire का है, high resistance wire क्यों चाहिए? low resistance wire से काम क्यों नहीं कर सकते बताना? क्योंकि हीट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैज टू बी वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, और हीट एनर्जी के लिए जो हमने फिलामेंट यूज किया है गीजर के अंदर, जनरली निक्रोम का होता है वो, निक्रोम तो निकल प्लस क्रोमियम एलॉय है ये, उसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज्यादा हाई होगा, तो क्वाइट ऑब्वियस रेजिस्टेंस हाई होने के कारण what would be the advantage? So the entire amount of electrical energy, right? In fact, more than 90% goes into the conversion of heat energy, and obviously उसके accordingly हम उसका device के accordingly हम उसका proper use कर सकते हैं, right? Bulb के अंदर भी filament होता है, bulb का filament जो है उसका resistance कम होना चाहिए या high होना चाहिए? Tell me. Bulb कम होगा तो कैसे लाइट और हीट एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी? हाई होना चाहिए, ये भी ये वन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, वो कौन सा होगा? टंगस्टन का होगा। टंगस्टन का उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए या बहुत ज्यादा होना चाहिए? बहुत ज्यादा होना, कितना तक होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली? एक्सीलेंट आंसर, एंड इट शुड नॉट बी हाई, इट शुड बी एक्सट्रीमली हाई, राइट। तो जो टंगस्टन है अप्रोक्सीमेटली उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है 2500 डिग्री सेल्सियस के करीब होता है, राइट। अच्छा, अभी जो हम पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर फ्यूज वायर यूज होती है ना, ये फ्यूज डिवाइस है, इसके अंदर दोनों तरफ कैपिंग है, ये ग्लास ट्यूब है, इसके अंदर है ना एक ब्रिज की तरह एक पतली सी वायर होती है, राइट। अब ये जो फ्यूज वायर है ये कनेक्ट करता है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को, सपोज किसी एक्सीडेंट के कारण बाय डिफॉल्ट या करंट एक्सीड कर जाता है टू इट्स लिमिटिंग वैल्यू, राइट। एक वायर है कैन विदस्टैंड ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, और बाय डिफॉल्ट उसके अंदर अगर 10 एम्पियर का करंट घंटे दो घंटे रहा तो इट हैज टू बर्न, राइट। तो अगर एक्सीडिंग करंट फ्लो करेगा तो सर्किट का रुक जाना एमसीबी से कहते हैं ना, व्हाट इज द फुल फॉर्म एमसीबी? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, राइट। और ये बिल्कुल लास्ट फेज है, मैं सारी डिटेल आपको बताऊंगा, अर्थिंग बताऊंगा, ओवरलोडिंग बताऊंगा, शॉर्ट सर्किटिंग बताऊंगा, राइट। वो सिर्फ हम नॉलेज के लिए करेंगे, एग्जाम के अंदर वो नहीं आने वाला, डीसी मोटर पर ही सारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट खत्म हो रहा है, राइट। एनी वे, अब ये जो फिलामेंट के ये दिस इज पर्टिकुलरली नोन एज ग्लास फ्यूज, ये ग्लास फ्यूज इज एक्टिंग एज ए ब्रिज टू कनेक्ट ए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। अगर सपोज यहाँ से करंट एक्सीड कर गया, राइट, अगर यहाँ करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है तो होगा होना क्या चाहिए? वो करंट ऑब्वियसली इस वायर के थ्रू भी फ्लो करेगा,
तो ये वायर ब्रेक होनी चाहिए या नहीं? ब्रेक होनी चाहिए। तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो लो होना चाहिए या हाई होना चाहिए? तो समझ के जवाब क्यों? ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा और जल्दी मेल्ट होने के चांसेस हो जाएंगे, ब्रेक होने के चांस हो जाएंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? एक्सेलेंट, ठीक है ना। तो ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बल्ब का जो फिलामेंट है उसका मेल्टिंग पॉइंट एक्सट्रीमली हाई है, लेकिन फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए, राइट। और इसका जनरली मेल्टिंग पॉइंट जो है अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री सेल्सियस होता है, 30 to 40 डिग्री। अगर क्लास, अगर डिवाइस जो हम फ्यूज यूज कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी का है तो अराउंड 28 to 30 डिग्री सेल्सियस पर वो मेल्ट हो सकता है, राइट। अगर करंट की वैल्यू एक्सीड करना शुरू कर देती है वहीं मेल्ट हो जाएगा, तो पूरा का पूरा सर्किट हमारा बच सकता है। तो जितने भी इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स हैं वो सिर्फ एक ही कारण से होते हैं, सॉरी दो कारणों से होते हैं, एक शॉर्ट सर्किटिंग के कारण और एक ओवरलोडिंग के कारण, राइट। तो हम देखेंगे ओवरलोडिंग किसे कहते हैं। जैसे यहाँ इसी प्लग के ऊपर ये लगा हुआ ना 3 पिन सॉकेट मैंने यूज किया हुआ है, और मैंने इसके साथ लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ है, मान लिया डीवीडी प्लेयर भी कर इसके साथ कनेक्ट कर रखा है, सेट टॉप बॉक्स भी कनेक्ट कर रखा है, तो बेचारा कितना बियर करेगा ये, राइट। ये तो दिस पर्टिकुलर 3 पिन सॉकेट इज मेंट टू बियर ए मैक्सिमम करंट रेटिंग ऑफ 4 एम्पियर, नॉट ड्रॉइंग ऑल द डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू इट आर सपोज टू ड्रॉ ए करंट ऑफ अप्रॉक्सिमेटली 12 एम्पियर, इमीडिएटली ब्लास्ट, राइट। और वो ब्लास्ट जो है वो वहीं तक ही रहना चाहिए, वो पर्टिकुलर सॉकेट ही खराब होना चाहिए। अगर वहां कंट्रोल नहीं रहा तो फायर अंदर तक जो है वायर के अंदर जा सकती है, और फिर एक बार अगर वन कंट्रोल हो गया देन कैन नॉट बी कंट्रोल इन दैट केस, राइट। वो सब हमारे सिलेबस का हिस्सा है, पता नहीं डिलीट किया हुआ क्यों किया हुआ, कह रहे नहीं भाई। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, calculate the amount of heat produced when 96,000 coulomb of charge, when 96,000 coulomb of charge is transferred in 1 hour, 96,000 coulomb of charge is transferred in 1 hour, लिखो क्वेश्चन को बेटा। थोड़ा जो बिल्कुल नए हैं उनको इस पर्टिकुलर टॉपिक में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी, कोई बट चैप्टर हो जाए उसके बाद आई एम वेरी मच श्योर कि आप क्लियर हो जाएगा फिर आपको। Calculate the heat produced when 96,000 coulomb of charge is transferred in one hour through a potential difference of 50 volts. Through a potential difference of 50 volts. करके दिखाओ। ये चार्ज गिवन है, ट्रांसफर इन 1 hour, टाइम गिवन है 1 hour, टू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट, तो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, दैट इज व्हाट वी आर सपोज टू फाइंड आउट। करिए वेरी गुड बेटा, ऑलमोस्ट सही है आपका, करेक्ट। प्लीज ध्यान देखिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तभी तो चार्ज फ्लो करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस है, इतना चार्ज फ्लो कितने टाइम में कर रहा है, 1 घंटे के अंदर, तो करंट ड्रॉ होगा या नहीं, फॉरगेट अबाउट करंट, निकालना क्या है हमें, हीट। हीट क्या होती है, आई स्क्वायर आर टी, राइट। टाइम हमें गिवन है 1 hour, 1 into, लेकिन आर नहीं है हमारे पास, रेजिस्टेंस नहीं है ना, तो रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, बी इज इक्वल टू आई है, राइट। तो आर क्या होगा, वी बाई आई। तो आप कहेंगे कि वी तो है हमारे पास लेकिन आई नहीं है, हर न्यूमेरिकल अपने आप को खुद निकालता है, हम कर ही नहीं रहे। मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ये था कि जब 50 वोल्ट का पोटेंशियल दिया गया, पोटेंशियल डिफरेंस था, तो 96,000 कूलम्ब ऑफ चार्ज 1 घंटे तक फ्लो किया उसने,
इसके कारण हीट प्रोड्यूस हुई। वो कितनी हीट प्रोड्यूस हुई, दैट्स व्हाट वी आर सपोज्ड टू फाइंड आउट। और हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि हीट किसके इक्वल होगी, आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, टाइम तो अपने पास है एक घंटे तक, लेकिन हमारे पास रेजिस्टेंस नहीं है जिसके कारण हीट प्रोड्यूस होना राइट हमारे सामने है। और रेजिस्टेंस को हम कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ कहता है वी इक्वल टू आई आर, तो आर क्या होगा, वी अपॉन आई। इज इट क्लियर? नाउ 50 इज अवेलेबल, बी इज अवेलेबल, आई नहीं है हमारे पास, और आई क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो मैं आई को लिख सकता हूं ना, चार्ज अपॉन टाइम का होल स्केयर, और आर की जगह आई कैन राइट इट एज डी बाई एल। दिस इज व्हाट 96,000, टाइम कितना है 1 आवर, इसको सेकंड में बदलेंगे, 16 to 60 करेंगे, दिस इज 50, और यही जो करंट की वैल्यू आई, ये करंट ही तो है, वो यहां लिखेंगे इनटू 1, तो दैट अमाउंट्स टू 4788.4 किलो जूल इज द आंसर। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑन कैलकुलेशन, इनसे समझ में आया, ये शुरू में लिखना है आपने, ये लास्ट में लिखा हुआ है बुक के अंदर। बुक के अंदर क्या किया हुआ है, पहले करंट निकाला है, फिर बुक के अंदर रेजिस्टेंस निकाला है, फिर उसके बाद हीट प्रोड्यूस का फॉर्मूला। अब खुद सोचिए हम करंट क्यों निकाल रहे हैं, हमें याद, अब देखो यहां है आंसर गिवन बुक के अंदर, बुक इज मेंट टू गिव यू द आंसर, लेकिन हमें आंसर खुद से क्रिएट करना है। तो क्रिएशन क्या कहती है, कहां से स्टार्ट करेंगे हम, जहां से पूछा गया है क्वेश्चन, हीट पूछी थी तो हीट क्या है, आई स्क्वायर आर टी। टाइम गिवन है, रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट मुझे मालूम है, वी अपॉन आई होता है, लेकिन आई नहीं है, लेकिन आई का कॉन्सेप्ट भी मुझे मालूम है, चार्ज अपॉन टाइम होता है, और सब कुछ न्यूमेरिकल में गिवन होता है, हर न्यूमेरिकल के अंदर राइट एक पर्टिकुलर फॉर्मेट को सॉल्व करने की कंडीशन गिवन होती है, प्रोवाइडेड कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर राइट, चाहे वो टेंथ का क्वेश्चन हो, चाहे आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन हो। तो यही अप्रोच से अगर आप काम करोगे तो आंसर खुद से निकालो। जब कभी मैं कोई शीट देता हूं तो उस शीट के अंदर 99.999% अपने एफर्ट्स एट इट्स बेस्ट लगाओ राइट, और जब बिल्कुल कोई चांस ही ना बचे तब पूछने की कोशिश करो। जनरली क्या होता है कि आपसे तो कोई क्वेश्चन दे दिया, मैं तो जरूर बताऊंगा, तो आप मिसअंडरस्टैंड कर जाओगे कि भाई सर बताना नहीं चाहते, लेकिन मैंने अपने घर में अपने बच्चों को कभी आंसर क्लियर नहीं किया, 5% भी सपोर्ट नहीं किया, मैं कहा मुझे नहीं मालूम, अपने आंसर खुद निकाल। उसके पीछे मेरा स्वार्थ ये था कि मैं चाहता था क्रिएटिविटी, उनकी सेल्फ एनालिटिकल एबिलिटी इंक्रीज हो, कि भाई 11th के बाद जिस चीज की तुम तैयारी कर रहे हो वहां पर हर क्वेश्चन का आंसर अगर तुम टीचर से पूछोगे, एक 12th क्लास के बच्चे को हाथ पकड़ के सड़क थोड़ी ना पार कराई जाती है, अगर बड़ा काम करना है तो बड़ी काबिलियत हासिल करनी है, उसके लिए प्रैक्टिस करनी है, और दूसरा आपके अंदर एक कैपेबिलिटी आनी चाहिए कि मैं आंसर कैसे निकालूं। मैंने बस ये तरीका बताया, जो पूछा गया है उसे देखो, उसके कॉन्सेप्ट को सोचो, वो कॉन्सेप्ट सामने आ जाएगा फॉर्मूले के फॉर्म में, और उसके अंदर कुछ चीजें होंगी, 2-3 फिजिकल क्वांटिटी होगी, या 3 फिजिकल क्वांटिटी, करंट भी, रेजिस्टेंस भी, टाइम भी, तो उसमें से कुछ ना कुछ गिवन होगा। जो अननोन है, जो गिवन नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो गिवन कंडीशन से निकल आएगा, इसे रेजिस्टेंस गिवन नहीं था, हमें मालूम है वी अपॉन आई होता है, फिर हम अटक गए, आई तो है नहीं, लेकिन आई को निकालने की कंडीशन है चार्ज अपॉन टाइम। तो ये प्रोसेस से अगर आप काम करोगे तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज्यादा आपके लिए चीजें आसान होंगी राइट, क्योंकि 10th क्लास इज जस्ट लाइक अभी आप फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में, अगर आपको नीट की तैयारी करनी है या CSCPT की करनी है या IIT की तैयारी करनी है तो अभी आप फर्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर हैं, वहां की जो क्लास ऑफ क्वेश्चन है वो बिल्कुल अलग है। अब आप कहते हो कि भाई सर टेस्ट मत लो, या कल हमारे स्कूल के अंदर एग्जाम है तो इसलिए आज का टेस्ट हम नहीं देंगे, सब कंफर्ट जोन में जीना चाहते हैं। अभी मेरे बेटे का एडमिशन हुआ है ना, मंडे से उसका D2 में एडमिशन हो गया है, अभी
अब मंडे से कॉलेज खुलने जा रहा है, अब ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा डोंट नो, अभी भी क्लियर नहीं है वो पिक्चर। वो जो है मोस्ट प्रोबेबली संडे रात तक क्लियर हो जाएगी। लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि हम मंडे से लेके वेडनेसडे के बीच में या 90% चांस है या उसके बाद हम अचानक एक सरप्राइज टेस्ट लेंगे। क्लास एक भी नहीं लगी, एक सिंगल क्लास नहीं लगी अभी, अभी तो एडमिशन ही चल रहे हैं, अभी तो स्पॉट राउंड तक ही जाएगी बात। पर उन्होंने कहा हमारा आपका टेस्ट लेंगे, अब एक सरप्राइज टेस्ट है, इसकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है मेल पर। यू नो वो सरप्राइज टेस्ट का रिजल्ट भी काउंट होगा सेमेस्टर के अंदर, पढ़ाया एक अक्षर नहीं है और सरप्राइज टेस्ट अभी से स्टार्ट हो गया। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है लेक्चरर्स का, भाई आप लाखों बच्चों को बीट करके आए हो, वहां टफेस्ट लेवल पर काम शुरू होता है, वहां लेक्चरर पढ़ाते नहीं है, कहते खुद करो, खुद से करता है बच्चा। वहां एक सब्जेक्ट के साथ साथ आठ आठ किताबें आपको रेफर करनी पड़ेंगी। सो ओवर देयर लेक्चरर्स आर मेंट टू आस्क क्वेश्चन, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि अगर आपको इंडिया का टॉप मोस्ट या वर्ल्ड का टॉप मोस्ट इंजीनियर बनाना है तो क्रिएटिविटी वहीं से निकलती है। तो हाँ अभी कुछ नहीं हुआ, सरप्राइज टेस्ट स्टार्ट है। सरप्राइज टेस्ट के फॉर्म में कुछ भी आप पूछा जा सकता है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री में से जो अब तक पढ़ा है 11th 12th में। और दूसरा, डेट शीट नहीं दी जाती ना DTU में ना किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, जो टर्म एग्जाम्स होते हैं उनकी डेट शीट नहीं होती। अचानक एक नोटिस आता है कि कल आपके चार पेपर हैं, अब वहां बोल देना आप एप्लीकेशन दे देना, भाई सर मैं चार पेपर एक दिन में तो दे नहीं सकता, मत दो उन्हें, क्या आपको तुरंत एक सर में रिजेक्ट कर देंगे। आप IIT के अंदर भी हो और थर्ड सेमेस्टर के अंदर तक आपका एक भी बैकलॉग है तो यू आर नॉट फिट फॉर कैंपस इंटरव्यू। 10,000 की नौकरी नहीं IIT की बार, अगर कैंपस में सेलेक्ट हो गए नहीं तो कोई नहीं पूछने वाला। 35-40 करोड़ की पॉपुलेशन है, हर एक के लिए नौकरी थोड़ी ना। और वहां पर एक ही दिन में चार टेस्ट होते हैं, 11 बजे टेस्ट शुरू होता है, 11 से 12:30, 1 से 2:30, 3 से 4:30, फिर 5 से 6:30, एक दिन में 4 टेस्ट। तो मतलब ये है कि थोड़ा ना टफ सिचुएशंस को बियर करना शुरू करो। कल मेरा पेपर है इसलिए आज का टेस्ट नहीं देना, ये हैबिट खराब है, इस हैबिट से निकलो बाहर, नहीं तो अभी समय बीतते देर थोड़ी ना लगती है। कल तो आप 9th में आते हैं, 10th भी खत्म होने जा रही है, ऐसी 12th खत्म हो जाएगी। और अगर ड्रीम कोई बड़े कॉलेज का है तो बड़े कॉलेज में को एडमिशन भी मिलना 1% आसान है, ये भाना आसान नहीं है। 27 से 30% IIT छोड़ देते हैं पहले साल के बाद, डरा नहीं रहा हूं मैं, ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको, नहीं होती उनसे, निपती नहीं है।